Yeah.
सुदामा जी सभी भगवान की जितनी भी 16108 रानियां हैं वो सभी सुदामा जी से आशीर्वाद लेने आती हैं। आशीर्वाद लेने आती हैं तो सुदामा जी उनको आशीर्वाद ना देकर भगवान कृष्ण को ही उनके बदले में आशीर्वाद दे देते हैं। इसके बाद में सुदामा जी ने कोटली में चावल छुपाए रखे थे तो द्वारका भी इसकी नजर पड़ गई और चावल धीरे से उसकी कांक से सुदामा जी से ले लिए। जैसे ही कोटली को खोला द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सुदामा जी की इस कोटली में तरह तरह के चावल थे क्योंकि कई घरों से भिक्षा मांग कर ये चावल एकत्रित किए थे। उनको देखकर द्वारकाधीश जी सब समझ गए कि कैसे कैसे इनका जीवन यापन होता है। तो ठाकुर जी ने भी चावल लेकर एक मुट्ठी खाई और सुदामा जी को एक लोट दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई सुदामा जी को दो लोट दे दिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली कि भगवान सब कुछ नहीं दे दोगे तो आप कहां रहोगे। इस प्रकार सुदामा जी की लीला होती है। आइए शंभु शंकर सुदामा जी का पूजन करें, द्वारकाधीश जी का पूजन करें, एक एक करके आए, भीड़ ना लगा। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना उतना रोया, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए।
कितना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया कितना रोया रोया है सुदामा के लिए जितना राधा रोई रोई जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए कितना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया कितना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया कितना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया कितना रोया रोया कन्हैया कितना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया
सुदामा जी की विदाई का समय होता है, क्योंकि सुदामा जी को अपने घर वालों की याद आती है और सुदामा जी वहां से बेटा लेते हैं द्वारका बीच से। सभी बैठने की कृपा करो, अपने अपने स्थान पर सभी विदा करने के लिए उनके साथ में जाते हैं। और जैसे आए थे सुदामा, उसी भेद से सुदामा जी को वापस भेजा है। बोले द्वारका धीश हो, मुझे इतना प्यार दिया, मैं इस लायक नहीं था। मौत हमें कौन कुटे लिखा लिखता हूं, मैं इतना लायक नहीं था। मुझे इतना प्यार, विचार करते हैं अपनी नजर में जिसमें आपकी एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, टूटी फूटी सी, अपने उस नगर में प्रवेश किया। कर्म आदि की कथा बताई, वंश का विस्तार में नाभि ऋषभदेव जी
और भर्ती आदि जल भर्ती आदि की कथा बड़ी अच्छी तरह से बताई गई। द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदियों आदि का सभी का वर्णन किया गया। नरक आदि का भी वर्णन विस्तार से किया गया। षष्ठ स्कंद में छठे स्कंद में चिताओं से रखे जिनकी उत्पत्ति और दक्षिण पुत्रियों की संतान देवता असुर मनुष्य नाग आदि का वर्णन, पशु पर्वत पक्षियों के जन्म आदि स्थिति का वर्णन, सूर्य भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए थे उनका वर्णन और उनकी परम गति का वर्णन किया गया। उनका वर्णन जिसके अंतर्गत बताया गया किस प्रकार भगवान ने प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया, उनके जन्म कर्म आदि का वर्णन, दैत्य शिरोमणि प्रहलाद जी का उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण किया गया। सप्तम स्कंद में बोली राधा कृष्ण भगवान की। अष्टम स्कंद में मन्वंतर की कथा, उसी के आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, किस प्रकार भगवान ने गज और गदा का उद्धार किया, दैत्यों और देवताओं का चरित्र और इसी में आगे समुद्र मंथन की कथा, महाराज बलि की कथा बताया गया किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि का कल्याण किया, उद्धार किया और इसका वर्णन वंश विस्तार का वर्णन, और उसी में महात्मा सुखदेव ने लीला तारा आदि का उपाख्यान, सूर्य वंश का उपाख्यान, उसी में धर्मांत सगर आदि राजाओं का वर्णन, कौशलित भगवान श्री राम जी का सर्वपाखारी चरित्र का वर्णन, और इसी स्तर में सबसे अंत में यादि जी के बड़े बेटे यदु जी का वर्णन बताया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार यदुवंश का प्रारंभ हुआ। चंद्र वंश के अंतर्गत नौ स्तर में इसकी कथा बताई गई। बोले गोवर्धन भगवान की। दसम स्कंद में जन्म से लेकर बाल लीलाओं से लेकर आगे की सारी लीलाएं, किस प्रकार भगवान ने ब्रज में किस प्रकार मथुरा में किस प्रकार ब्रजवासियों के लिए लीलाएं की, सारी तो नहीं लेकिन हाँ लगभग तकरीबन सभी स्तर में इस बात का निरूपण किया गया कि भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के बहाने किस प्रकार अपने यदुवंश का नाश कराया। सभी उनके लिए कुछ और नहीं, बस केवल उनका जयकारा जोर से बोल दीजिएगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बाहर गए चले गए। उसके बाद में प्रणाम दुख समनामिं हरि परम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः स्तम नमामि हरि परम तम 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 नमामि हरि परम।
सार क्या है? हम संकीर्तन नहीं समझ, भागवत जी का सार है भगवान का नाम संकीर्तन, कीर्तन यानी भगवान की कीर्ति फैलाना, ये भागवत जी का सार है। नाम संकीर्तनम यस्य, उससे क्या होता है? कूट के भरी है, इसलिए कोई नहीं सुनाते
कि अगर वो सुनाएंगे तो उनके भगवान जी की महिमा कम हो जाएगी। लेकिन हम तो सुनाते हैं, समय होता है बस सुनाते हैं, और यह समय नहीं है तो नहीं सुनाएंगे। इसलिए कथा को श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा में विराम करते हैं। अब पूजन होगा, श्रीमद् भागवत जी का पूजन।